हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 4 ऑफ 9th क्लास हिंदी, बूढ़ी काकी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 4 बूढ़ी काकी का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। बूढ़ी काकी के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी काकी बुद्धिराम के पास क्यों रहती थी? बूढ़ी काकी बुद्धिराम के पास क्यों रहती थी? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी का बुद्धिराम के सिवा और कोई नहीं था, ठीक है। बूढ़ी काकी का बुद्धिराम के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए वह बुद्धिराम के पास रहती थी, ठीक है। इसलिए वह बुद्धिराम के पास रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुखराम के तिलक पर घर का वातावरण कैसा था? सुखराम के तिलक पर घर का वातावरण कैसा था? इसका आंसर आ जाएगा, सुखराम के तिलक पर घर का वातावरण बड़ा ही आनंददायक था, ठीक है। बड़ा ही आनंददायक था। लोगों की भारी भीड़ थी, ठीक है। लोगों की भारी भीड़ थी। तरह तरह के खान पान तैयार हो रहे थे, ठीक है। तरह तरह के खान पान तैयार हो रहे थे। मेहमान का खूब आदर सत्कार हो रहा था, ठीक है। मेहमान का खूब आदर सत्कार हो रहा था। बुद्धिराम और रूपा कार्यभार संभालने में बहुत व्यस्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लाडली और बूढ़ी काकी में परस्पर सहानुभूति क्यों थी? लाडली और बूढ़ी काकी में परस्पर सहानुभूति क्यों थी? इसका आंसर आ जाएगा, लाडली को अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबेना खाने के लिए बूढ़ी काकी से सिवा कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, ठीक है। लाडली को अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबेना खाने के लिए बूढ़ी काकी के सिवा और कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, और कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। उससे बूढ़ी काकी को कुछ खाने के लिए मिल जाता था, ठीक है। उससे बूढ़ी काकी को कुछ खाने के लिए मिल जाता था। इस तरह दोनों में परस्पर सहानुभूति थी, ठीक है। इस तरह दोनों में सहानुभूति थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रूपा का व्यवहार काकी के प्रति किस प्रकार था? रूपा का व्यवहार काकी के प्रति किस प्रकार का था? इसका आंसर आ जाएगा, रूपा का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बड़ा ही अन्यायपूर्ण और कठोर था, ठीक है। रूपा का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बड़ा ही अन्यायपूर्ण और कठोर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बूढ़ी काकी को भोजन न देने पर लाडली का मन क्यों अधीर हो रहा था? बूढ़ी काकी को भोजन न देने पर लाडली का मन क्यों अधीर हो रहा था? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी को भोजन न देने पर लाडली का मन अधीर हो रहा था, ठीक है। बूढ़ी काकी का भोजन न देने पर लाडली का मन अधीर हो रहा था। यह इसलिए कि वह अपने माता पिता द्वारा बूढ़ी काकी के प्रति किए हुए दुर्व्यवहार से दुखी और चिंतित थी, ठीक है। बूढ़ी काकी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार से दुखी और चिंतित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, बुढ़ापा आने पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निभाने की न कोई क्षमता होती है और न कोई सोच समझ, ठीक है। बुढ़ापा आने पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निभाने की न कोई क्षमता होती है और न कोई सोच समझ। बुढ़ापा में बच्चों के समान स्वतंत्रता आ जाती है,
ठीक है, बुढ़ापा में बच्चों के समान स्वतंत्रता आ जाती है। स्वार्थपरता के कारण अच्छा बुरा कुछ भी सॉरी अच्छा बुरा कुष्ठ भी ख्याल न बुढ़ापा में होता है और न बचपन में। इस प्रकार की और कोई बातें होती हैं जो बचपन और बुढ़ापे में होती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन भोजन की वाली अपने सम्मुख देख बूढ़ी काकी के मनोदशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा, भोजन की थाली अपने सामने देखकर बूढ़ी काकी खिल उठी। ठीक है, भोजन की थाली अपने सामने देखकर बूढ़ी काकी खिल उठी, उसके रोम रोम में ताजगी आ गई। ठीक है, उसके रोम रोम में ताजगी आ गई। उस समय वह अपने ऊपर हुए अत्याचार और तिरस्कार को बिल्कुल भूल गई। ठीक है, उस समय वह अपने ऊपर हुए अत्याचार और तिरस्कार को बिल्कुल भूल गई। वह भोजन की थाली पर टूट पड़ी। ठीक है, वह भोजन की थाली पर टूट पड़ी। धड़ाधड़ पुड़ियों को खोल खाने के लिए वह आतुर हो उठी। ठीक है, धड़ाधड़ पुड़ियों को खाने के लिए आतुर हो उठी। उसके एक एक रोए रूपा को आशीर्वाद दे रहे थे। ठीक है, उसके एक एक रोए रूपा को आशीर्वाद दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपा का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? रूपा का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठाकर खाते हुए देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। ठीक है, बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खाते हुए देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे बूढ़ी काकी के प्रति किए गए अन्याय और अत्याचार का भारी पश्चाताप हुआ। ठीक है, उसे बूढ़ी काकी के प्रति किए गए अन्याय और अत्याचार का भारी पश्चाताप हुआ। इस प्रकार रूपा का हृदय परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार रूपा का हृदय परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर आ जाएगा, इस पाठ से हमें निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी हमें दिया गया है, हमें बुजुर्गों की भावनाओं को समझना चाहिए। ठीक है, हमें बुजुर्गों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमें बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। हमें बुजुर्गों की सेवा सच्ची भावना से करनी चाहिए। ठीक है, हमें बुजुर्गों की सेवा सच्ची भावना से करनी चाहिए। हम भी किसी समय बुजुर्ग होंगे। ठीक है, हम भी किसी समय बुजुर्ग होंगे, यह समझकर हमें बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार अन्याय का विरोध करना चाहिए। ठीक है, यह समझकर हमें बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार अन्याय का विरोध करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपा की जगह यदि आप होते तो बूढ़ी काकी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होता? रूपा की जगह यदि आप होते तो बूढ़ी काकी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होता? इसका आंसर आ जाएगा, रूपा की जगह हम होते तो बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति रखते। ठीक है, बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति रखते, उनकी भावनाओं को समझते, उनकी इच्छाओं की पूरी करने की कोशिश करते। अगर वे कोई अनुचित या अशोभनीय कदम उठाते तो हम उन पर क्रोध नहीं करते। ठीक है, तो हम उन पर क्रोध नहीं करते, उन्हें बड़े प्यार और आदर के साथ समझाते। ठीक है, उन्हें बड़े प्यार और आदर के साथ समझाते, उनकी कठिन जिद को नम्रतापूर्वक दूर करने का प्रयास करते। ठीक है, उनकी कठिन जिद को नम्रतापूर्वक दूर करने का प्रयास करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी काकी कब कब रोती थी? बूढ़ी काकी कब कब रोती थी? इसका आंसर आ जाएगा, जब घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के विपरीत करते। भोजन का समय टल जाता था,
उसका परिणाम पूरा न होता था अथवा बाजार से कोई वस्तु और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगते थे। ठीक है, जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के विपरीत करते, मीन्स अपोजिट करते, भोजन का समय टल जाता, मतलब समय पे भोजन नहीं मिलता या उसका परिणाम पूरा न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु और न उन्हें मिलती तो वे रोने लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बूढ़ी काकी को रोना आया लेकिन वे रो न सकी, क्यों? बूढ़ी काकी को रोना तो आया लेकिन वे रो न सकी, क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी को रोना आया लेकिन वो रो न सकी क्योंकि उन्हें अब सुकून का भय हो गया था, क्योंकि उन्हें अब सुकून का भय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में क्या पश्चाताप कर रही थी? बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में क्या पश्चाताप कर रही थी? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में यह पश्चाताप कर रही थी कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी की, मेहमानों के खाने तक तो इंतजार करना ही चाहिए था। ठीक है, मेहमानों के खाने तक तो इंतजार करना ही चाहिए था, मेहमानों से पहले घर के लोग कैसे खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाडली ही बूढ़ी काकी के लिए क्यों कूद रही थी? इसका आंसर आ जाएगा, लाडली ही बूढ़ी काकी के लिए कूद रही थी क्योंकि उसे ही उनसे अत्यधिक प्रेम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूपा ने रुद्धकंठ से क्या कहा? इसका आंसर आएगा, रूपा ने रुद्धकंठ से कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है। उसने बोला, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। ठीक है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। ठीक है, कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन बड़ी कठिनाइयों से क्यों मिलता था? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख दी। ठीक है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम को लिख दी थी। संपत्ति लिखाते समय बुद्धिराम ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। ठीक है, संपत्ति लिखाते समय बुद्धिराम ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे लेकिन वे खोखले साबित हुए। ठीक है, लेकिन वे खोखले साबित हुए, बुद्धिराम की कृपणता ही इसके मूल में रही, उसी के फलस्वरूप वे बूढ़ी काकी के भोजन में कमी रखने का प्रयास करना नहीं भूलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी काकी प्रतीक्षा की घड़ी कैसे बिता रही थी? इसका आंसर आ जाएगा, बूढ़ी काकी को एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बीछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। ठीक है, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। ठीक है, उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न कोई बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए
तैयार हुई, ठीक है, बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति क्या कठोरता दिखाई। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति क्या कठोरता दिखाई, इसका आंसर आ जाएगा, बुद्धिराम ने जब बूढ़ी काकी के को मेहमानों के बीच में देखा तो उनको क्रोध आ गया। ठीक है, बुद्धिराम ने जब बूढ़ी काकी को मेहमानों के बीच में देखा तो उनको क्रोध आ गया, वे इससे अपने को संभाल न सके, हाथ में लिए एक पुड़ियों के थाल को उन्होंने जमीन पर पटक दिया। ठीक है, हाथ में लिए हुए पुड़ियों के थाल को उन्होंने जमीन पर पटक दिया। फिर जिस तरह कोई निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े आसामी को देखते ही लपककर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, ठीक है, उसी तरह से उन्होंने भी बूढ़ी काकी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, ठीक उसी तरह उन्होंने भी बूढ़ी काकी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, फिर उन्हें घसीटते हुए उनकी उसी अंधेरी कोठरी में लाकर पटक दिया। ठीक है, फिर उन्हें घसीटते हुए उनकी उसी ही अंधेरी कोठरी में लाकर पटक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रूपा ने अपनी गलती का पश्चाताप किस प्रकार किया। इसका आंसर आएगा, रूपा ने अपनी गलती का पश्चाताप इस प्रकार किया, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण वे दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है। ठीक है, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो, आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों को दासी बन रही, ठीक है, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये वे कर दिए। ठीक है, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये वे कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजार रुपये खाए उसे आज इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। ठीक है, उसे आज भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा है असहाय है। ठीक है,